घबराइए नहीं, आपका अल्लाह तबारक व ताला साथ देगा। आप गुजार हैं, आप लोगों की मदद करने वाले हैं, आप सच सच बोलने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप फकीरों गरीबों का ख्याल करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। ऐसी हिम्मत दिलाई, तो ऐसी होना चाहिए औरत को कि दीन के काम में वो मददगार बने। ऐसा नहीं कि अगर शोहर पता चला वो दीन का काम करना चाहता है तो रुकावट बन जाए औरत। आपको तो बस दीन का काम पड़ा है, हर वक्त दीन का काम, यहाँ घर में क्या है क्या नहीं है कोई खबर ही नहीं, ये नहीं, बल्कि मददगार बनना चाहिए कि तो अगर कुछ तंगी भी है तो भी हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम मना नहीं करेंगे, रुकावट नहीं बनेंगे अपने शोहर के लिए कि वो दीन का काम करें, बल्कि हम उनको दीन के काम के लिए आमादा करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको दीन का काम करना चाहिए और दीन का काम हम आपका इसमें साथ देंगे, इसलिए कि सवाब दोनों को मिलेगा। अगर आप सब्र शुक्र के साथ उनका तआवुन करेंगी तो आपको भी पूरा अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब मिलेगा उनके जरिए से जो दीन का काम होगा। तो बहरहाल हमें पूरा अपना माहौल बनाना चाहिए, घर का भी माहौल बनाना चाहिए, फिर अपने रिश्तेदारों के हुकूक हैं उनकी अदायगी की फिक्र होना चाहिए, अपने पड़ोसियों के हुकूक हैं उनके हुकूक अदा करने की भी हमें फिक्र करना चाहिए। ये सब औरतों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हदिया तोहफा भेजते रहना, कि हदीस में क्या फरमाया गया है कि कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन का हदिया हकीर ना समझे, अगर छोटा मोटा हदिया आ रहा है ना तो भी हकीर ना समझे, या देने को भी हकीर ना समझे, थोड़ा ही हदिया कर दो, या कोई छोटा सा हदिया भेज रहा है तो भी कबूल कर लो। लोग नाराज हो जाते हैं इतना सा भेजा है, और इतना सा भेजेंगे क्या तो उसको बुरा लगता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ तो भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी भेज रहे हैं कबूल कर लो जो भी भेज रहे हैं। अच्छे अखलाक होना चाहिए, अच्छे अखलाक से क्या होता है अल्लाह ताला खुश होता है। एक वाकया है कि एक औरत थी बहुत ही तहज्जुद गुजार और नफली रोज़े और नफली नमाज पढ़ने वाली, फ़र्ज तो पढ़ती थी नफली भी, इशराक चाश सारी नमाजें और रोज़े भी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लेकिन वो क्या थी, सताती थी पड़ोसियों को, पड़ोसी इससे परेशान थे, तो आपने फरमाया वो सजा मिलेगी, उसे सजा मिलेगी, अजाब होगा उसे। और एक औरत के बारे में पूछा गया कि वो सिर्फ फर्ज पढ़ती है, फर्ज रोजे रख लेती है, फर्ज नमाज पढ़ लेती है, नफली ज्यादा नहीं पढ़ती है, ज्यादा नफली रोजे नहीं, फर्ज तो अदा करती है वो, लेकिन पड़ोसी सब खुश है, सब सबको वो खुश रखती है, अपने पड़ोसी औरतें हैं उनसे कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई उनकी शिकायत करता नहीं है, किसी को अजियत और नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ज़रर नहीं पहुंचाती हैं, किसी को गाली नहीं पकती हैं, तो कहा कि वो जन्नती है। तो अखलाक का इतना बड़ा असर होता है कि अच्छे अखलाक की वजह से आदमी बड़े तहज्जुद गुजार का मकाम हासिल कर लेता है। तो बहरहाल दीन की बातें हैं, ये दीन की बातें हमने सुनी तो इस पर अमल करना चाहिए। सुनना असल नहीं है, अगर एक भी बात हम पकड़ लें, अखलाकी को ले लें, नमाज की पाबंदी को ले लें, तरबियत को ले लें, तो ये चार पांच बातें समझिए आपको हमने और अपने आप को बताई हैं, हम भी इसके मुखातब हैं कि एक तो हमें वक़ार और संजीदगी का ख्याल करना चाहिए, बाजारों की जीनत नहीं बनना चाहिए, बनाव सिंगार करना, ये एक मुसलमान औरत बनाव सिंगार करके बाहर निकले ये उसके शाया निशान नहीं है, हिजाब का ख्याल करना चाहिए। एक बात बताई हमें बच्चों की तरबियत के बारे में, एक बात बताई कि नमाज पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, और एक दीन के काम में मर्दों का तआवुन करना, और अच्छे अखलाक, और मोबाइल वगैरह का गलत इस्तेमाल ना करना। तो ये खुलासा कलाम ये है इंशाअल्लाह ताला, ये मोटी मोटी बातें होती हैं लेकिन अमल बड़ा मुश्किल होता है साहब, असल चीज़ तो अमल है तो सही बातें हैं लेकिन अमल असल है, अमल करने से पूरा वो है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये बंदा अपनी फितरत
जन्नत और दोजख का ताल्लुक वो अमल से है, बना बनने का और बिगड़ने का ताल्लुक वो अमल से है। हमें अमल को तरजीह देना चाहिए। कौल तो बहुत होते हैं, बातें बहुत होती हैं, सुनी भी जाती हैं, कही भी जाती हैं, लेकिन बातों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं करते हमारे बच्चे, और ख़ास तौर से जो होशियार समझदार बच्चे हैं तो उनको भी मोबाइल पूरा दे दिया जाता है, आज़ादी दे दी जाती है, तो इस सिलसिले में निगरानी की ज़रूरत है बहरहाल कि वो कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनको मोबाइल फोन देना मुनासिब होगा कि नहीं होगा। तो हमें ये सारी बातें तरबियत में शामिल करना चाहिए। ये फिक्र करने से, ये बातें फिक्र करने से ये हो सकेंगी। अगर फिक्र नहीं की जाएगी तो बहुत ही हसास मरहला होता है, नाजुक मरहला होता है। ये 10-12 साल का जो वक्त होता है गुजर जाएगा और बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और अगर आपने अपने आप को पाबंद किया इनमें, और घर को पाबंद किया, और अच्छा माहौल दिया, अच्छी फिजा बनाई, तो वक्त अच्छा गुजरेगा और आपकी आदतें भी अच्छी होंगी, सोने बैठने का उठने का निज़ाम सही रहेगा। मोबाइल की वजह से सोने का उठने का पूरा निज़ाम धरम परम हो गया है घरों का। कब से उठेंगे? 12 बजे, 1 बजे। पहले टीवी थी तो वो था, अब तो ये कई टीवियाँ हो गई, हर एक के पास अलग टीवी है। तो 12-1 बजे तक सोने का निज़ाम होता है। जाहिर है फजर की नमाज़ कहाँ अदा हो पाएगी? फिर फजर की नमाज़ का अगर आप देखें कितने लोग पढ़ते हैं, कितनी माएँ और बहनें हैं जो पढ़ती हैं फजर की नमाज़, रमज़ानों में तो अदा हो रही है, लेकिन रमज़ान के अलावा भी तो नमाज़ फ़र्ज है, और रमज़ानों में भी तो बहुत सारों की छूट जाती है। तो इन सब बातों का ख्याल करना ज़रूरी है मुसलमान औरत को, कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या इरशाद फरमाते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुज अलजाहिलियति अलूला, के जाहिलियत के तरीके से बनाओ सिंगार इख्तियार ना करो। वला तबर्रजना तबर्रुज अलजाहिलियति अलूला व अकिमनस सलाता व आतीनस ज़कता, और नमाज कायम करो। औरतों से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कि नमाज कायम करो, अकिमनस सलाता, नमाज कायम करने का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। कायम करना, पढ़ना नहीं, कायम करने का मतलब ये पाबंदी करना, और अपने बच्चों से भी पढ़वाना जो फर्ज है नमाज, उनमें बिल्कुल कोताही ना हो। पहले अजान होते ही बस नमाज की फिक्र शुरू हो जाए, ये है नमाज कायम करना। ये ऐसा फरीजा है और ऐसी अलामत है, बस दीन की अलामत है, ये सबसे बड़ी नमाज का कायम करना ये दीन की सबसे बड़ी अलामत है। ये समझ लीजिए आप कि अगर नमाज के बारे में औरत हसास है तो समझिए उसका दीन महफूज है, और नमाज के बारे में औरत की हिस नहीं है, औरत गाफिल है या मर्द गाफिल है, सब बराबर है इसमें, तो फिर बस दीन गया काम से। दीन का इन्ना अहम उमूरिकुम इंदी अस्सलाह, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमान जारी करके सब जगह भेज दिया था कि सबसे अहम काम नमाज है। फमन ज़य्यअहा फहुवा लिमा सिवाहा अज़य्यउ, जो नमाज को जाया करेगा वो दूसरी चीजों को तो और ज्यादा जाया करने वाला होगा, दीन की दूसरी चीजें जाया करने वाला। क्योंकि नमाज को अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, के नमाज वो बेहयाई के और बदकारी और नाजायज कामों से रोकती। और किसी बुजुर्ग का वाकया आता है ना कि कोई शख्स खिदमत कर रहा था, तो मिसाल के तौर पर पानी वगैरह चाय पिला रहा था, पानी तो शरबत, तो वो सही तरीके से नहीं पिला पाया, छलका पानी छलक गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी नमाज सही नहीं है। तो सवाल पैदा हुआ कि पानी छलक गया तो इसमें नमाज का क्या है, तो जवाब ये है कि नमाज तो हर चीज़ सही कर देती है, कि नमाज सही होगी तो पूरी तरबियत सही होगी, उठना बैठना सही होगा और चलना फिरना सही होगा, आदाब सब आ जाएंगे। तो नमाज तो मेयार है, नमाज अगर दुरुस्त हो गई तो सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी।
और नमाज जाया हो गई तो हर चीज जाया हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वअकीमनस्सलाता के नमाज कायम करो, वआतीनज़्ज़काता और जकात अदा करो, जकात अदा करो, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की बीवियों को हुक्म दिया जकात अदा करो। तो वो पहन रखे थे उन्होंने जेवरात, तो आपने फरमाया कि क्या तुम इनकी जकात अदा करती हो? तो कहा कि नहीं। तो कहा अगर तुम आपके कंगन पहनना चाहती हो तो ना करो, और नहीं तो जकात अदा करो। तो ये जो कंगन है, जेवरात हैं, औरत जो सोने और चांदी के जेवरात पहनती है, इन पर भी जकात बनती है। सही हदीसों से यही साबित होता है और हनफी मसलक भी यही है और सही हदीसों में भी यही आया है, कई हदीसें आई हैं कि जो औरत के इस्तेमाली जेवरात हैं उन पर भी जकात, दूसरे जेवरात पर तो नहीं बनेगी, सोने और चांदी के, सोने और चांदी के, और जो उसके पास पैसा है, पैसा है और सोने और चांदी के जेवरात हैं, तो जिसकी जिसकी कीमत सबकी मिलाकर कुछ सोना कुछ चांदी कुछ पैसे, जो औरत का बैलेंस अलग है मर्द का अलग है, तो उसके अगर उसका बन गया है 610 ग्राम चांदी की कीमत बन गई है, जिस हिसाब से भी चांदी चल रही हो, अगर 60,000 चल रही हो तो 36,000 बन जाएगी 600 ग्राम चांदी, तो कुछ सोना है कुछ चांदी है कुछ कैश है, इतना पैसा हो गया है 40,000 के आसपास 36-37,000, तो अब उसको जकात निकालना पड़ेगी, जरूरी है, फर्ज है। वो कितनी निकालेगी? 40,000 में से 1,000 निकालेगी, 40वां हिस्सा। तो ये जकात भी निकालना औरत के ऊपर जरूरी है, ये नहीं कि मर्द मर्द ने निकाली या नहीं निकाली, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मर्द ने निकाल दिया आपकी तरफ से तो तब तो ठीक है, नहीं निकाली है तो आपके ऊपर फर्ज है, उनका माल अलग है आपका माल अलग है। तो क्या आपने उनको मालिक बना दिया कि आपने जेवरात का, तब तो ठीक है वो निकालेंगे। अगर मालिक नहीं बनाया, आप खुद मालिक हैं तो आप मुकल्लफ हैं, कहीं से भी अपने शोहर से कर्ज लेकर के अपने पैसे जो जुड़े हुए हैं उनसे निकालिए, लेकिन वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, शोहर से दरखास्त कीजिए कि आप निकाल दीजिए हमारी तरफ से। बहरहाल वो जकात की अदायगी जरूरी, वाकिमन सलात वआतीन जकात वअतिअन अल्लाह वरसूलह, फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज्स अहलल बैत, अल्लाह ताला गंदगी को दूर करना चाहता है, ए नबी के घर वालों तुमसे अल्लाह तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है, और युतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह तबारक व तआला तुमको पाक साफ बनाना चाहता है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन मिन आयातिल्लाह वल हिकमा, और जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें तिलावत करके सुनाई जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनका तज़किरा करो, वज़कुरना, ये जिक्र होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता अपने घरों में कुरान की आयतों का, हदीसों का, अच्छी बातों का जिक्र होना चाहिए, मुज़ाकरा होना चाहिए, रोज की तालीम होना चाहिए, कि रोज कोई वक्त मुतय्यन हो कि आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा मुतय्यन हो, कि जिसमें हम कोई दीनी किताब पढ़ करके सुनाएं, दीनी किताब का मुज़ाकरा होना चाहिए घर में रोज होना चाहिए। वक्त अल्लाह ताला फरमा वज़कुरना, जिक्र करो, मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, जो तिलावत किया जाता है कुरान शरीफ तुम्हारे घरों में, हिकमत की बातें, नबी के घर में जो कुरान उतर रहा था और हदीसें हो रही थी उनका जिक्र करने का नबी को अल्लाह नबी की बीवियों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। तो हमें भी चाहिए कि कोई दीनी किताब हम कोई दीनी किताब पढ़ करके अपने घर में वो सुनाए, बच्चों को सुनाए, अपने शोहर को सुनाए, अपने ससुर को सुनाए, तो इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तालीम का, दीनी तालीम का, तालीम होती है घर की, तो ये बेस बेस है ये दीनी माहौल की बुनियाद है, दीनी माहौल बनता है इससे, घर की तालीम से। तो अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा, अल्लाह ताला बहुत बारीकी से हर चीज को जानते हैं और वो बड़े बाखबर हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बताई।
तो बहरहाल दीन में औरत का भी बड़ा मकाम है। ऐसा नहीं है कि शोहर शोहर और मर्द का दीन में मकाम है, औरत का मकाम नहीं है, बल्कि औरत को भी बड़ा दखल हासिल है। पहली जो शहीदा है इस्लाम में वो एक औरत है, सुमैया रजी अल्लाह ताला ने, तो उनको पहली शहादत मिली। उनको मक्के ही में अबू जहल ने मारा, उनको दीन की वजह से मारा गया उनको, तो शहीद हो गई। तो हजरत खदीजा ने पहली दावत का काम किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। वही नाजिल हुई तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा शोहरा और चर्चा हुआ है। तो उनकी तरबियत में उनकी वालदा का बड़ा किरदार है, और वो रो रो कर दुआएं करती थी उनकी वालदा उनके लिए, हजरत मौलाना के लिए रो रो कर दुआएं करती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बड़ा आलिम बनाया कि पूरी दुनिया में नाम हो गया उनका, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का। औरत चाहे तो फिक्र करे तो उसका बच्चा भी बड़ा आलिम बन सकता है, बड़ा हाफिज कुरान बन सकता है, बस वो दुआओं में अपनी दुआओं में अपनी फिक्र में वो शामिल कर ले कि हर नमाज में वो अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अपने बच्चे को याद रखे, बात बात में उसकी तरबियत का ख्याल करे। तो बहरहाल ये कैसे हो सकता है, ये जब खुद वो अपने अमली नमूने से भी वो इसका इजहार करेगी तब होगा। अगर खुद का अमली नमूना नहीं है तो फिर तो सिर्फ कहने से असर नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पर भी उसको नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, अमली तौर पर उसको दीन का पाबंद होना पड़ेगा, कुरान की तिलावत की पाबंदी, जिक्र अज़कार की पाबंदी, रोज़ा और नमाज की ज़कात की पाबंदी को उसे इख्तियार करना पड़ेगा। औरत को खुद को वो अमली तौर पर पेश करना होगा, तो फिर जब बच्चा अमली तौर पर देखेगा अपनी माँ को कि ये नमाज पढ़ रही है, ये रोज़ा रख रही है, ये ज़कात के बारे में हसास है, एक एक चीज़ की वो ज़कात अदा करती है, तो फिर अल्लाह वो अल्लाह ताला उसके दिल में असर पैदा करेगा, इससे उसकी तरबियत अच्छी होगी, फिर जो बात कहेगी वो बात भी पायदार होगी। तो इसी तरीके से हमें अपने बच्चों की तरबियत करना है कि खुद अपने घर को दीन के रंग में रंगना है, दीन के रंग में रंगना है। और आजकल जो इस सिलसिले में सबसे बड़ी चीज़ जो माने बनती है और खारिज होती है, रुकावट बनती है, वो है मोबाइल। मोबाइल का इस्तेमाल वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है इस ज़माने में, मोबाइल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है तरबियत के रास्ते में। कि वो मोबाइल का शोल रखती हैं औरतें, और मोबाइल खुद भी इस्तेमाल करती हैं, और उनके बच्चे भी उससे वो गलत यूज़ करके उससे बिगड़ते हैं। तो जो औरत हसास होती है वो औरत अपने आप को भी महफूज रखती है इस मोबाइल के फितने से। आजकल तो देखा जाता है कि बहुत सारी औरतें मोबाइल पकड़ा देती हैं अपने बच्चों को, दूध पीता हुआ बच्चा है, रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो वो सहारा लेती हैं मोबाइल का, कि मोबाइल की तस्वीरों से देखकर उसको बहलाती हैं, अब वो दूध पीने लगता है, खाना खाने लगता है। जब भी फिर वो दूध मांगता है, खाना नहीं खाता है, और उनकी हिर्स होती है खाना खिलाने की, तो फिर बस मोबाइल ही को सहारा बनाती है, उसको बहलाने के लिए उसको आलायदार बनाती हैं, फिर उसकी परवरिश उसी पर हो गई है, अब उसके अंदर वो चीज़ शामिल हो गई है। अब बड़ा होगा तब भी वो जाहिर है मोबाइल का खूगर बनेगा, मोबाइल ही को मांगेगा वो, तो मोबाइल में फिर वो जो चाहेगा देखेगा, और यहाँ तस्वीरें हैं और फौश चीज़ें हैं, फौश गाने हैं, इस
तरह की चीजें देखेगा तो फिर दीन से कहां रब्बत पैदा होगी, कुरान से कहां रब्बत पैदा होगी। तो इसलिए जो मोबाइल है, नेट है, इनको तो औरतों को अपने ऊपर ममनू कर लेना चाहिए। और हमें बताया बाद में कि हमारी अहलिया छोटा बच्चा है, इसलिए उसकी वजह से वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती, स्मार्टफोन। वो अपने बच्चे का ख्याल करती हैं तो अपना उनका बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया मोबाइल का इस्तेमाल, स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया सब के लिए, इसके बगैर काम नहीं चलता है। क्या ज़रूरी है, मर्द के पास रहेगा वो अपना उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा, जो काम होगा वो करेगा। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है मोबाइल, लेकिन बस